हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सर्कुलर फ्लो को देख लिया टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। थोड़ी सी और बात इसी को एक्सटेंड करते हुए करते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक टॉपिक और करते हैं इसी से रिलेटेड। देखो, मैक्रो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमेशा समझा जा सकता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट की मदद से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आपका हो गया आउटपुट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को आउटपुट बोला जाता है, ठीक है। नेशनल इनकम को जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग जब भी होती है, तो उसका हमेशा फाउंडेशन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से समझा जा सकता है, क्योंकि नेशनल इनकम का सबसे बेसिक कंसेप्ट ये बोलता है एक साल के अंदर पता लगाओ कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं और लोगों को उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में क्या उनकी पेमेंट वगैरह बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है या फिर गिर गई है। यानी कि पैसा एक साल के अंदर एक एक इंडिविजुअल जिसको पर कैपिटल इनकम बोलते हैं, क्या उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, और पिछले साल के कंपैरिजन में कितने गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं या कम प्रोड्यूस हुए हैं, इसको देखने की वजह से हम लोग कंपैरेटिव एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर या प्रीवियस डिकेड हम लोग नेशनल इनकम को पता लगा सकते हैं और कंट्री वाइज कंट्री कंपैरिजन भी कर सकते हैं सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बेसिस पर, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें गुड्स एंड सर्विसेज भी बता जाता है और इनकम किसकी कितनी है ये भी पता जाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अभी तक हमने देखा था टू सेक्टर्स में डिपिट करा जा सकता है, हाउसहोल्ड एंड फर्म। थ्री सेक्टर में भी करा जा सकता है, इसको हम आगे देखेंगे, हाउसहोल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। और फोर सेक्टर्स में भी करा जा सकता है, हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और बाहर से जो पैसा आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप मुझे ये बताओ, वो तो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग टू सेक्टर मॉडल को डिस्कस करेंगे और यूपीएससी का सिलेबस भी यही है टू सेक्टर मॉडल। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये जो चार आपको दिखे, देखो आपको पता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कभी भी एक सेक्टर के बेसिस पर बढ़ सकता है। मैं सिंगल सेक्टर कह सकता हूँ क्या, मिनिमम कितने चाहिए, दो तो चाहिए, फर्म्स और हाउसहोल्ड चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, टू सेक्टर मॉडल ज़्यादा अच्छा है, थ्री सेक्टर मॉडल ज्यादा अच्छा है या फोर सेक्टर मॉडल ज्यादा अच्छा है, सोच समझ के बताना। कंप्लीट पिक्चर एक साल की कौन सा देगा, अच्छा कौन सा है, बेस्ट, सोच समझ के बताना। हर एक डायरेक्शन से सोच लो पहले फिर आंसर दो। टू सेक्टर मतलब जिसमें हाउसहोल्ड और फर्म है, थ्री सेक्टर मतलब जिसमें गवर्नमेंट है, फोर सेक्टर मतलब जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि नफिया भी इंक्लूडेड है, बाहर से इनकम आएगी और बाहर से जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, ये सब, बेस्ट कौन सा है। वेरी गुड, फोर सेक्टर। ये बात बताना इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये अब वो हर बुक ये लिख देती है एज पर द सिलेबस हम लोग टू सेक्टर मॉडल डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन और एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं, वो सोचते हैं बच्चे बेवकूफ है, इकोनॉमी वैसी किसी को नहीं आती, थ्री और फोर सेक्टर तो इनको सेक्टर सर्कुलर फ्लो ही नहीं पता होगा, टू सेक्टर थ्री सेक्टर क्या, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं फोर्थ सेक्टर पे। फोर्थ सेक्टर की स्टेटमेंट बहुत सिंपल आती है दोस्तों, टू सेक्टर को तो आपने देख लिया, यहां पर सिर्फ एडिशनल क्या होता है, इसको देख लो, यहां पर एडिशनल क्या होता है, बीच में एक गवर्नमेंट और एक रो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड होता है। अब ये कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा, एक डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको, ये कैसे। फर्म्स गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्सेस, हाउसहोल्ड भी गवर्नमेंट को देते हैं टैक्सेस, गवर्नमेंट आए हुए टैक्सेस की मदद से फर्म से कोई कोई चीजें परचेज भी करती है सरकार। अब आपको फर्म से परचेज करती है सरकार, जी हाँ, पेन, डायरी, पेपर, टेबल, कुर्सियाँ, एसी लगना, ये सब कुछ कहाँ से आता है, फर्म से तो प्रोड्यूस करेगी सर, मतलब परचेज करेगी सरकार। और हाउसहोल्ड और फर्म से आए हुए पैसों को एक तो परचेज करने में लगाती है और दूसरा हाउसहोल्ड से, हाउसहोल्ड को के ऊपर सरकार खर्चा करती है, सब्सिडाइज गुड्स पे, सब्सिडाइज प्राइसेस पे गुड्स देना, ठीक है, और अनाज वगैरह स्कीम्स वगैरह चलाना, मिड डे मील स्कीम और ये सब, इस पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर कोई फर्म इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वो करते हैं तो हाउसहोल्ड जो होते हैं वो कभी कभार सामान मंगवाते हैं इम्पोर्ट करवा कर, फर्म्स जो होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में
एक्सपोर्ट करते हैं। हाउस होल्ड जब भी सामान मंगवाते हैं तो पैसा दूसरी कंट्री में जाता है। हमारे इंडिया के फर्म्स अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा हमारे देश में आता है। बाहर से आए हुए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर सरकार बड़ी सारी ड्यूटीज़ लगाती है और वो ड्यूटी का पैसा सरकार तक जाता है। ये मॉडल बनता है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी का, ऐसा कुछ बस। और अच्छे से समझा दूंगा, इसका डायग्राम नितिन सिंघानिया में गिवन है। ये पहले इस बुक में होता था, 2015-14 तक होता था इस बुक में, लेकिन बाद में जैसी, क्योंकि ये वाली बुक CBSE के लेवल से है ना, तो जैसे ही ये हट गई, सिलेबस से हट गया, तो इन्होंने इसका डायग्राम देना बंद कर दिया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। सबसे पहले एक सिंप्लीफाइड मॉडल के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। मान लो एक इकोनॉमी के अंदर से दो ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म, और अज्यूम कर लेते हैं कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, दैट इकोनॉमी इज क्लोज्ड वन। क्लोज्ड वन मतलब इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, ग्लोबलाइजेशन नहीं है यहाँ पर। जब ये वर्ड है ना इकोनॉमी के अंदर क्लोज वन, तो समझ जाओ नो ग्लोबलाइजेशन। पता है ये क्लोज वन है ना, कि जो क्लोज वन है ना, जब तक ये क्लोज रहेगी ना, जब तक इकोनॉमी क्लोज रहेगी, तब तक ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ROW का कंसेप्ट नहीं आ सकता। अब मैं एक स्ट्रॉन्ग बात बताऊँ आपको, जिसको कोई पूरे इंडिया में प्रिलिम्स में शायद से बैठ कर टाइम वेस्ट करेगा अपना या सॉल्व नहीं कर पाएगा। एक मस्त बात बताऊँ आपको, अब मुझे एक आंसर दे दो अमित, 1991 तक हम अपनी इकोनॉमी को टू सेक्टर इकोनॉमी गए, थ्री सेक्टर इकोनॉमी गए, या फोर सेक्टर इकोनॉमी गए 1991 तक? उससे पहले मतलब, इससे पहले थ्री सेक्टर, 1992 से क्या कहें, बस ये मुझे बताना। क्यों? दरवाजे तभी खोले ना हमने अपनी इकोनॉमी के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वेरी गुड, LPG रिफॉर्म्स। रागिनी समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो थोड़ा बहुत? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं लोग, यार मैं तभी तो बोलता हूँ कि आराम से इत्मीनान से एक एक शब्द के अंदर गहराई आए। ठंडे दिमाग से कोई भी पढ़ेगा उसको, मेडिटेशन कर रहा है पढ़ाई से पहले या पढ़ाई के बाद, तो दिमाग का शोर ख़त्म होता है। जब दिमाग में शोर ख़त्म होगा तभी दिमाग आराम से चीज़ों को समझना सुनना कर पाता है। लोगों का सिर्फ UPSC इस वजह से नहीं निकलता, सिर्फ एक रीज़न होता है उसका, दिमाग के शोर की वजह से। मेहनत में किसी के कोई कमी नहीं है भाई, सब उतने होशियार हैं, सब, कोई गोबर नहीं खाता इंडिया में जो UPSC दे रहा है, वो रोटी में लगा लगा के गोबर का रोल बना बना कर नहीं खाता है, हर कोई अपना दाल चावल रोटी आराम से अन्न खा रहा है। और काजू बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है जब दिमाग का शोर शांत होता है। तो मेडिटेशन करा करो और पूजा पाठ करा करो, तो उसकी वजह से शोर ख़त्म होता है, तब जाके ऐसी ये हिडन चीज़ें समझ में आती हैं। और अगर जिसको ये बात जल्दी समझ में आ जाए वो बहुत अच्छा है, वरना अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहना, किसी ना किसी स्टेज के अंदर अटकते रहोगे UPSC में। वी फर्दर रिज्यूम डेट इकॉनमी जो है वो क्लोज इकॉनमी है, जिसमें मतलब कोई भी, जहाँ पर कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। सिमिलरली हम लोग ये भी मान लेते हैं कि कोई सेविंग नहीं, हाउस होल्ड कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाउस होल्ड जो सेविंग करते हैं या ना करते हैं, सेविंग के कंसेप्ट को इकॉनमी में क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोई मुझे बता सकता है इकोनॉमिक टर्म्स इसका? नहीं, एक्सपेंडिचर तो खर्चा होता है, सेविंग डिस्पोजिशन भी खर्चा होता है। थ्रिफ्टीनेस, ये वर्ड याद रखना, आई गारंटी UPSC के 99% लोग नहीं जानते इसको। थ्रिफ्टीनेस, थ्रिफ्टी का मतलब ऐसे पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कंजूसी। सेविंग वैसे क्या मानी जाती है, एक प्रकार से कंजूसी है ना, मतलब देखा जाए, मतलब अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में मत बोलो कि बंदा कंजूस है, लेकिन सेविंग कंजूसी है ना। कोई कोई जैसे लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बड़े सारे हराम खोर रिश्तेदार होते हैं, उनसे 100 रुपये भी नहीं निकलते घर से जाते हुए, खाया पिया 4 दिन मौज रहा और चले गए, तो घर पे जाने के बाद हम उनके बात करते कि नहीं करते, इतना पैसा जोड़ के कर क्या लेंगे, मर के तो जाने ही है इसने। प्रेग्नेंट लेडी जैसी तोंद लेकर घूम रहा है और 100 रुपये भी नहीं निकले बच्चों को देने के लिए।
रिश्तेदारे करते हैं ना ऐसे हरामखोर वाले, तो सिमिलरली देयर इज़ नो सेविंग बाय हाउसहोल्ड, ऐसा मान लेते हैं. और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो जितना उनके पास कमाई हो रही है वो पूरा का पूरा खर्चा करते रहे और फर्म्स कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं. इस इकोनॉमी के अंदर दो तरह की मार्केट है, एक है प्रोडक्ट मार्केट, एक है फैक्टर मार्केट. वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझा दिया था आपको, ऊपर वाला पार्ट प्रोडक्ट, नीचे वाला ऊपर वाला फैक्टर, नीचे वाला प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं. फैक्टर मार्केट मतलब जहाँ पर सिर्फ फैक्टर पेमेंट हो रही है. प्रोडक्ट मार्केट मतलब जहाँ पर किसी प्रोडक्ट को पाने के लिए खर्चा कर रहे हैं हाउस होल्ड. तो बस फर्म से हाउस होल्ड तक क्या जाएगा, फैक्टर पेमेंट्स, और हाउस होल्ड्स फर्म से क्या खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज. इन्होंने अपनी सर्विस दी थी क्योंकि इसलिए इनको फैक्टर पेमेंट मिल रही है, तो ये ऊपर वाला होता है फैक्टर मार्केट. सर्विस देने के बाद जब आपको 30 दिन के बाद अपनी सैलरी मिलने लग जाए, जिसने मकान किराए पर दिया था उसको रेंट मिल जाए, बैंक वालों को या फिर जहाँ से भी आपने लोन करवाया था उस मशीन का कुछ भी उसको किश्तें मिल जाएँ, और इन सबको चुकाने के बाद आपकी जेब में प्रॉफिट आ जाए और आप अपनी वाइफ के साथ उसके शौक पूरे करो, वो प्रॉफिट. तो ये होता है फैक्टर पेमेंट, फैक्टर मार्केट. और प्रोडक्ट मार्केट मतलब क्या, हाउस होल्ड जो खर्चा कर रहे हैं दूसरे फॉर्म्स में, बाजार वगैरह वो भी तो जा रहे हैं ना, जिनको यहाँ पर सैलरी मिली अपनी, इस सैलरी को जो खर्चा कर रहे हैं. बस वही घुमा फिरा के बात है. इन सारी चीज़ों को मानते हुए हम ये मानते हैं कि फर्म जो है वो हायर करते हैं फैक्टर सर्विसेज को हाउस होल्ड से, जो कि ओनर्स होते हैं फैक्टर्स और प्रोडक्शन के, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, और उनको बदले में फर्म्स उनका रीम्यूनरेशन, यानी कि जिसका जितनी सर्विस के हिसाब से जो पैसा है वो उनको चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, अपनी सर्विस देने के बदले. हाउस होल्ड ने दी सर्विस, उनको मिलकर पैसा. फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दीज आर फैक्टर इनकम नोन एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो कि हम पढ़ चुके हैं हजारों करोड़ों बार चैप्टर के अंदर. तो हम ये कह सकते हैं मनी इनकम जो होती है वो फ्लो करती है फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर तक. विद दिस मनी हाउस होल्ड्स फर्म से मैन्युफैक्चर गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और सेम मनी हम ये कह सकते हैं फिर वो फर्म्स के पास वापस चला जाता है. दस एंटायर इनकम ऑफ द इकॉनमी फर्म्स के पास वापस आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ सेल रेवेन्यू, जो कि उन्होंने गुड्स को प्रोड्यूस करवाया, जिन जिनको सैलरी देनी थी उनको सैलरी दे दी, और बाद में जब वो बाजार में बेच रहे हैं थोड़ा सा महंगा बेच रहे हैं ताकि उनका किश्तें वगैरह, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब निकल सके. ये जो काउंटर फ्लो होता है मनी का, बार बार घूमना इधर उधर से, हाउस होल्ड से फर्म से, फर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड, फर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फर्म, इसको हम लोग बोलते हैं टू सेक्टर ऑफ द इकॉनमी. बस ये दोबारा बात इसको करनी नहीं चाहिए, इसने कर दी, लेकिन मैंने ये लेक्चर इसलिए समझाने के लिए रखा. ये दो कंसेप्ट समझो, लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है. लीकेज मतलब बहना, इंजेक्शन मतलब किसी भी चीज़ के अंदर डालना. लीकेज मतलब जैसे नल का लीकेज होता है ऐसे ही ना, लीकेज होता है अमाउंट ऑफ मनी जो कि फ्लो ऑफ इनकम से विड्रॉ कर लिया जाता है. और इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन मतलब में आप क्या करते हो, कोई चीज डाल देते हो ना किसी के शरीर के अंदर, जब अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्ट करा जाता है. अब आप कहोगे ये दो चीजें करी क्यों जाती है. लीकेज मतलब तब करा जाता है जब आरबीआई या सरकार को लगता है कि ज़्यादा एक पैसा बह रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसकी वजह से कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो सकते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या फिर मनी की साइकिल बिगड़ सकती है. और जब बिल्कुल ही पैसा नहीं है इकोनॉमी के अंदर, तो आपको पता है आरबीआई वगैरह नए करेंसी नोट्स प्रिंट करती है, मनी को इंजेक्ट करती है. अच्छा इसको क्या बोलते हैं, नए करेंसी नोट्स को प्रिंट करना आरबीआई के द्वारा, जल्दी बताओ इकोनॉमी के अंदर क्या टर्म से बोला जाता है इसको, जब नए पैसों को प्रिंट करती है आरबीआई. आशिमा आप भी जानते हो उस चीज को, करोड़ों बार पढ़ चुके हो मेरे साथ. डेफिसिट फाइनेंसिंग याद आया आशिमा, डेफिसिट फाइनेंसिंग. दस अब विड्रॉ कैसे होगा इकोनॉमी से पैसा, लोग ज्यादा सेव करने लगे,
सेविंग होने लगी, टैक्सेस जो हैं बाय हाउसहोल्ड्स एंड फर्म ये, और इंपोर्ट स्पेंडिंग, ये होता है लीकेज विड्रॉ। पैसा यहां पर जा ही नहीं रहा, टैक्स सरकार के पास, उनकी उनके पास, सेविंग हाउसहोल्ड कर रहे हैं और इंपोर्ट स्पेंडिंग। आप कहोगे ये क्यों, इंपोर्ट जब भी कोई होता है, इंपोर्ट स्पेंडिंग मतलब गुड तो आपके घर पे आ गया है लेकिन पैसा दूसरे देश जा रहा है, ये लीकेज है, ये लीकेज है, इकोनॉमी में पैसा कम पड़ गया। ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट करी किसी ने, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है जो टैक्स से पैसा आया, और एक्सपोर्ट जो फर्म्स कर रही हैं उनसे जो पैसा आया वो है इंजेक्शन। ये याद रखना, प्रिलिम्स के अंदर, यूपीएससी के प्रिलिम्स की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेंडिंग है, 2023 में टकरा सकता है क्वेश्चन आपको, क्योंकि कोविड के बाद अब जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है ना हमारी, अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और वो आपको लीकेज दे देंगे, दो स्टेटमेंट लीकेज की एग्जाम्पल के साथ और दो इंजेक्शन, तो फिर वही 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, कुछ भी, ठीक है। अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहते हैं, अगेन मयूर, ये कल वाला इक्विलिब्रियम नहीं है, ट्रेडिंग वाला दूसरा इक्विलिब्रियम, मैक्रो लेवल पे अगर हमें इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, लीकेज हमेशा ना इंजेक्शन के इक्वल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो बन सकती है, लोगों को लीकेज इंजेक्शन ही नहीं पता होगा तो ये स्टेटमेंट को कैसे सही और गलत साबित करेंगे। यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग हमेशा इक्वल होनी चाहिए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब दो कंजम्पशन तो दोनों जगह हो रही है, तो कंजम्पशन को काटोगे तो फॉर्मूला ये बनता है, लीकेज इज इक्वल टू इंजेक्शन का, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जितना लोग सेव करें उसको इन्वेस्ट करें। इसलिए बोला जाता है कभी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में अपना पैसा मत रखो, या तो उसको स्टॉक्स में लगाओ, या तो म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, या उसकी कोई ना कोई कुछ करवाओ, क्योंकि एफडी से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है और जो इंटरेस्ट मिलता है एफडी से, फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ, या फिर बैंक में पैसा रखने की वजह से, वो कहा जाता है कि जो महंगाई हो रही है ना, महंगाई इन्फ्लेशन से भी वो पैसा कम है, तो इसका मतलब आप पीछे खिसक रहे हो, आपकी कमर ज़्यादा टूट रही है, पसीना ज़्यादा बह रहा है और इतना आप कमा नहीं पा रहे हो। इसलिए म्यूचुअल फंड्स प्लस स्टॉक्स के अंदर पैसा डालना चाहिए इंसान को, ये चीज़ होती है, ये लॉजिकल बात है। इसलिए वेस्टर्न कंट्री ज़्यादा रिच होती हैं वहाँ पर, एज कम्पेयर टू पर कैपिटा इनकम उन लोगों की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंडियंस। फॉर इंस्टेंस इन टू सेक्टर इकोनॉमी, जब एक इंडिविजुअल की पार्ट ऑफ इनकम जो कि अर्न करता है एक इंडिविजुअल फ्रॉम फर्म्स, इसको जब, यानी कि मतलब कहीं ने किसी पर्सन ने कहीं पर काम करा, उसको जो सैलरी मिली उसने पूरी सैलरी बचा ली, सेविंग कर ली, तो उसकी वजह से होगा क्या, ध्यान से सुनना, इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी व्हेन अ पार्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय हाउसहोल्ड, कैसे अर्न करेंगे, कहीं पर काम करके देगा कौन इनको, फर्म्स, इसको जब ये सेव कर लेते हैं तो जो अनसोल्ड स्टॉक है आउटपुट का, ये एक्यूमुलेट होता जाएगा। क्यों, आप कहोगे ये स्टॉक से इसका क्या लेना देना, मतलब जूते चप्पल या चिप्स के पैकेट इंडस्ट्रीज में भरते चले जाएंगे, वो इसलिए भरते चले जा रहे हैं, लोगों की जेब से पैसा ही नहीं छूट रहा ना इकोनॉमी के अंदर, कोई आ ही नहीं रहा पैसा खर्च करने, कंजूस हो गए लोग, थ्रिफ्टीनेस हो गए हैं, थ्रिफ्टीनेस का कंसेप्ट आ गया है, लोग थ्रिफ्ट हो गए। इसकी वजह से होगा क्या, इकॉनमी पता है डिप्रेशन में चली जाती है। ये देखो आज आपको एक नई चीज़ पता लगी कि डिप्रेशन में इकॉनमी कैसे जाती है, क्योंकि मतलब बाहर जब पैसा घूम ही नहीं रहा इकॉनमी के अंदर, घुमाने के लिए कुछ है ही नहीं, एक चेन टूट गई है बाइक की तो गियर कैसे चेंज करोगे इकॉनमी का। पैसा जब दुकानदारों के पास जा रहा था वो होलसेलर को दे रहे थे, होलसेलर फैक्ट्री तक ऑर्डर लेकर जा रहे थे, वो बोल रहे थे बाजारों में बहुत डिमांड चल रही है आपके चिप्स की, आपके बिस्किट की, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, चीज़ें सड़ रही हैं, गल रही हैं, दीमक लग रहे हैं उस पर, पुराना एडिशन हो जा रहा है जूतों का, कपड़ों का,
कोई खरीद ही नहीं रहा क्योंकि लोग हो गए कंजूस, इसकी वजह से डिप्रेशन आ सकता है और यही हुआ था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में। देयरफॉर लीकेज को हमें ना प्लग करना, खुले हुए टूटी में नलके में उसको क्लोज करना या कोई कपड़ा बांध के उसको बांधना, ये मस्ट है, मस्ट, अगर हमें प्रोडक्शन को सस्टेन करना है और इकॉनमी को डिप्रेशन में नहीं जाने देना हो तो। तो देख रहे हो आज आपको डिप्रेशन प्लस उसका सॉल्यूशन भी पता लग गया। ये लाइन आप ज़रूर लिख कर आओगे ना, आपको इतने बेहतरीन नंबर मिलेंगे ना जीएस पेपर 3 के अंदर, आप सोच नहीं सकते। वन ऑफ द सॉल्यूशन किसी बुक के अंदर है ही नहीं कि लीकेज को प्लग कर दो, सिर्फ ये लाइन लिख कर ना एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाएगा आपसे। आप सॉल्यूशन लिखो कि डिप्रेशन से बचाने के लिए इकॉनमी, व्हाट इज डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, और उससे बचाने के लिए क्या सॉल्यूशन आप सजेस्ट करते हो। बहुत सारे सॉल्यूशन अभी तो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन एक सॉल्यूशन ये लिखा रहता ना लीकेज को प्लग करना, तो एग्जामिनर समझेगा भाई साहब इसको लीकेज पता है और लीकेज के साथ साथ ये लिखकर या लिखकर आ रही है, आ रहा है, आ रही है कि प्लग करना, तो इसकी कंसेप्ट कितना अच्छा है इसका इकोनॉमी का। मैं तभी बोल रहा था आपको शुरू में ही कि सिर्फ एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, 2023 का प्रीलिम्स रुक ही नहीं सकता, पूरा गेम ही आके इस पर अटक गया है। और सोने पे सुहागा दो चीज़ें, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, बस इतना ही गेम है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।